हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सामने है ब्रेजा VXi CNG मॉडल जिसमें मैंने जेनोन ZXi प्लस के एलॉय व्हील्स लगवा रखे हैं। और क्योंकि ये कार घर के बाहर ही पार्क होती है और आगे जब भी इससे ट्रिप करेंगे तब भी ये कहीं इधर उधर पार्क होगी जिसका हमें नहीं पता वो पार्किंग कैसी है, जिसके कारण इन एलॉय व्हील्स की चोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आजकल ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ऊपर से आजकल ब्रेजा के एलॉय व्हील्स कुछ ज़्यादा ही डिमांड में है और ये वाले नट्स तो कोई भी आराम से ओपन कर सकता है। और इस बार तो कंपनी ने भी हद कर दी है कॉस्ट कटिंग में। पहले टोपी वाले नट्स आते थे और अब तो सिंपल नट्स ही प्रोवाइड करे हैं। तो इसी चोरी की सिचुएशन से बचने के लिए मैंने ऑर्डर करे हैं मैकगार्ड के व्हील लॉक, जिन्हें कार व्हील एंटी थेफ्ट नट्स भी कहा जाता है। अब लेने को तो नॉर्मल एंटी थेफ्ट नट्स भी ले सकते हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बट क्योंकि वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे होते हैं तो उनकी की भी आराम से अवेलेबल हो जाती है। और इन नटों का की पैटर्न ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए आई बॉट दिस मैकगार्ड एंटी थेफ्ट नट्स विच इज़ मेड इन USA। तो चलो पहले इनको ओपन कर लेते हैं और फिर लगाएंगे। तो ये कुछ मैनुअल्स हैं और ये है सीरियल नंबर और ये है वे ऑफ इंस्टॉलेशन मैनुअल। अदर पेपर्स एंड कैटलॉग्स भी है इसमें। ये है नट्स और इनकी यूनिकनेस है ये पैटर्न, और इनको टाइट एंड ओपन करने के लिए यूज़ होगी ये की। इस की के बिना और किसी भी टूल से इसे ओपन नहीं किया जा सकता, तो ये की संभाल के रखनी होगी। और ये कुछ वॉशर्स भी दिए गए हैं इन केस अगर कुछ गैप आए तो चलो अब इन्हें लगा के देखते हैं। तो पहले बैक साइड के व्हील के एक नट को ओपन करके लगा के देखते हैं। एक नट इसलिए क्योंकि एक व्हील में एक ही नट लगाएंगे जो कि काफ़ी है। और ये हो गया नट ओपन। और अब कंपनी फिटेड नट की जगह लगाएंगे एंटी थेफ्ट नट को। यहाँ पे कुछ इशू लग रहा है, नट तो पूरा अंदर गया ही नहीं। एक बार वॉशर लगा के भी चेक करते हैं। नहीं, अभी भी सही से फिट नहीं हुआ ये। तो प्रॉपर फिटिंग तो हो नहीं रही। ये देखो काफ़ी गैप है, वॉशर पूरा लूज़ है विच इज़ नॉट गुड। तो क्योंकि फिटिंग सही नहीं है और नट प्रॉपर टाइट नहीं हुए हैं तो इन्हें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए इन्हें रिटर्न करके दूसरी फिटिंग के नट्स ऑर्डर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, सो जैसा कि लास्ट टाइम हमने इसमें एंटी थेफ्ट नट लगा रहे थे तो वो फिट नहीं आए थे, तो उनको रिटर्न करके अब दूसरे मंगवाए हैं जो कि है ये वाले। इसमें डिफरेंस आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा जो है कॉनिकल स्ट्रक्चर है यहाँ पे थोड़ा, राइट। तो अब इनको ओपन करके देखते हैं और एक फिट करके देखते हैं, अगर फिट होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो इनको भी रिटर्न कर देंगे। इसमें से भी नट्स निकले हैं, कुछ इसकी मैनुअल्स हैं, स्टिकर और ये वाली इनकी की है। पहले के मुकाबले थोड़ी डिफरेंट लग रही है। और ये रहे नट्स, ये देखो ये है थोड़ा कॉनिकल स्ट्रक्चर, पहले वाले में वॉशर्स थे, इसमें वॉशर भी नहीं है। तो चलो इनको लगा के देखते हैं। तो चलो पहले एक नट खोलते हैं इसका। ये अपना एक नट निकल गया है, ये देखो इसमें भी कॉनिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है थोड़ा सा और सेम अब उनमें बना हुआ है। और ये रहे वो वाले नट्स, तो इनको भी लगाते हैं। ये लिखा होगा प्रॉपर अंदर जाना चाहिए ये।
की लगा देते हैं और की से घुमाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। एंड यस, ये वाला एकदम परफेक्टली फिट बैठा है। कुछ इसको प्रॉपर टाइट कर देते हैं। अ गुड थिंग इज पहले वाले में थोड़ा डिफरेंट था, बट इस वाले में अपनी वही 19 नंबर की लगेगी और यहाँ पे भी अपना सेम है और ये अपना प्रॉपर टाइट हो गया। और अब इस तरीके से लुक आएगा। अब इनका फ़ायदा ये होगा, कोई भी अगर चोर वगैरह यहाँ पे, ये वाले नट्स तो आसानी से खुल जाएंगे, बट ये वाला जो है इस वाली की के थ्रू ही खुलेगा। तो हाँ, ये वाली की भी कैरी करनी पड़ेगी, विच इज़ ओके, बट ठीक है, एटलीस्ट हमारे जो एलॉय हैं वो सेफ हो गए। तो सेम तरीके से पीछे वाले भी लगा लेते हैं। ये निकल गया पुराना नट और इसको भी लगा देंगे। डन। तो बैक साइड का भी नट लग गया और अच्छी बात यह है कि ये वाले नट्स बिल्कुल भी अलॉय व्हील से बाहर की साइड पे नहीं निकल रहे। और हाँ, इनको लगाने के बाद कोई भी टायर बैलेंसिंग और वगैरह कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है। तो अब दूसरी साइड के भी नट लगा देते हैं। साइड के भी दोनों टायर्स हो गए और इस साइड की भी हो गए। तो इनको लगाने से ही हो गया, कहीं पे भी जाएंगे, कहीं पे भी कार पार्क करें, एटलीस्ट अपने अलॉय व्हील सेफ है, कोई इनको निकाल नहीं सकता है। तो अभी तो रिसेंटली इनको ओपन करने के लिए और टाइट करने के लिए हमने अपना टूल यूज़ किया है। तो एक बार की को जो कार के साथ टूल लाया है उसमें भी देख लेते हैं कि उसमें फिट हो रही है कि नहीं हो रही है। ये देखो, ये आता है टूल कार के साथ और इसमें चेक कर लेते हैं। और ये देखो, इसमें भी प्रॉपरली फिट हो गई है। तो इसके साथ हमें इस वाली की को भी रखना होगा, तो इसको भी सिंपली यहाँ पे अटैच करके रख देंगे बिना किसी इशू के। तो सही प्रोडक्ट का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।